इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हीरा लाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप, सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हम अध्यक्ष है तो अध्यक्ष की नाती अध्यक्षता करे अपनी धर्म की, मंदिर की, कमेटी की, सबकी अध्यक्षता, सबका सब करने का प्रयास किया, पर हम आज तक अपनी आत्मा की अध्यक्षता, अपने धर्म की अध्यक्षता नहीं कर पाए। समय ही नहीं मिला महाराज, इतनी व्यस्तता है, इनको संभालो, उनको संभालो, घर भी संभालना है, ऑफिस के भी काम करने हैं, फिर आप आ गए, आपको और संभालना है। नहीं, हमें यही गणित सीखना है, यही गणित सीखना है। हमारे आचार्यों ने इतने इतने गजब के अलौकिक गणित प्रदान किए हैं, उन्होंने पूरा जीवन मात्र गणित के लिए दिया, और हम अपने जीवन का गणित नहीं बिठा पाए, हम अपने जीवन का गणित नहीं बिठा पाए। अरे दुनिया के गणित, दुनिया का टाइम सबका मैनेज कर रहे हैं, पर हम अपने जीवन के भी तो कभी अध्यक्ष बन के अपने आप को मैनेज करने का प्रयास करें, अपने धर्म को मैनेज करने का प्रयास करें। क्या करें, क्या करें, क्या करें? व्यक्ति मात्र और मात्र मात्र और मात्र समय को काट रहा है, मनुष्य पर्याय के समय को काट रहा है। आया मंदिर की क्रिया की, मंदिर की फॉर्मेलिटी की, हमने अपने पद का निर्वाह किया, महाराज हो तो गया, फोटो खींच गए, काम हो गया। नहीं, इतना इतना पर्याप्त नहीं है, ज्ञानी इतना पर्याप्त नहीं है। अभी बहुत गहराई में जाकर सोचना समझना होगा कि हमने आज तक कितनी सारी भूल की है। ये बहाने छोड़ दो, ये बहाने छोड़ दो, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। 24 घंटे के अलावा 24 तीर्थंकरों को भी कोई नया समय नहीं मिला था, पर फिर भी वे समय को समझते हुए समय सार बन गए। आप समय सारो उपासक ही बन जाओ, श्रावक ही बन जाओ, मैं कह रहा हूँ श्रावक नहीं, इंसान ही बन जाओ, कम से कम इंसान बन जाओ। एक इंसान भी सच्चे भावों से अगर बन जाओ ना, तो काम बन जाएगा। एक श्वान भी देखा कभी, अगर श्वान को भी रोटी डाल दो ना, शान को भी रोज रोटी डाल दो, तो रोज पूंछ हिला के तुम्हारे घर की सुरक्षा करने के लिए द्वार के बाहर बैठेगा। वह श्वान तो अरविंद जी ईमानदारी से काम करता है, पर आज का इंसान धर्म से, देवशास्त्र गुरु से भी गद्दारी करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचता। किसकी बुराई, किसकी निंदा, किसके लिए क्या कलह कर रहे हैं, ये भी सरासर भूल जाता है। आपका कलह है, आपकी लड़ाई, आपकी बुराई, आपकी निंदा, आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षा, आपकी मान की पुष्टि, ये सब आप अपने समय का, अपने पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हो। अरे पुण्यात्मा बन गए, लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुण्य को इस प्रकार से लोगों को कानों में पहुंचकर निंदा बुराई और कटाक्ष करके बर्बाद करें। आएगा आएगा, सबका सबका समय आएगा। अरे ऐसे कहा जाता है बुखारिया जी, घूरे के भी दिन बदलते हैं। फिर तो इंसान हो, इंसानों आप क्यों नहीं समझते हो, अच्छों के बुरे और बुरों के अच्छे कब हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए ध्यान रखो, समय किसी का नहीं। किसका हुआ समय आज तक? जितने महान महान तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों का तक समय नहीं हुआ। आदि पुरुष प्रथम तीर्थंकर का भी समय नहीं था, 6 महीने। समय किसी का नहीं होता। समय बदलते ही सीट बदलती है सचिव जी, समय बदलते ही पद बदलता है, सब बदल जाता है। जो तुम्हारे घर में पानी भरने के लिए आने वाला इंसान, कभी उसके घर में पानी जाकर भरने की भी नौबत आती है।
पढ़ो पुराण ग्रंथों को, और पुराणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इस उज्जैनी में रहते हो, उज्जैन का ही इतिहास पर्याप्त है इन सभी घटनाक्रम को समझने के लिए, जीता जागता उदाहरण है। जो तुम्हारे घर में पानी भरता था, ऐसे भी दिन नौबत ऐसी भी दिन आए लोगों के कि उनके घर में जाकर पानी भरने पड़ रहा है सेठों को, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। माँ मौका मिला है, दुरुपयोग मत करो, मनुष्य पर्याय मिली है, इससे बेशकीमती पर्याय देव सास गुरु का सानिध्य जैन कुल, इससे सुंदर साधन, इससे उत्कृष्ट साधन आपको जिंदगी में पुनः मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हमें पल पल उन शुभ भावनाओं को, शुभ भावों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। ठीक है, घर में व्यापार में उस अशुभ परिणाम हो रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, फिर भी समझ में आ रहा है कम से कम देवशास्त्र गुरु के पास, समय के पास पहुंचने के बाद में तो समय में पास होने का प्रयास करें। पढ़ाई तो आज से ही करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई तो आज से ही करनी पड़ेगी ना, कि पहले से ही, पहले से आप सोच लो कि नहीं जिस दिन पेपर होगा उस दिन पढ़ेंगे। कितने कितने विद्यार्थी हैं जो एक दिन पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और फिर कितने पास होते हैं, सबने परीक्षा दी है। कम से कम कुछ दिन पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के दिमाग खराब कर रहे हैं, निंदा बुराई कर रहे हैं, जो बेचारे कन खजूरे नरकों में जाकर लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कान खाने आए ना अनिल जी तो हाथ जोड़ के कहना, अरे नारकी तू नरक में जाके तो कान खाने ही वाला है, अब इंसान बना है, क्यों मेरा पुण्य और दिमाग खा रहा है। अकेले में जाके दर्पण को सुना तो क्यों म्युनिसिपैलिटी का कचरा मेरे घर में, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में आके डाल रहा है। पर सुनते आप ही हो, माँ अभी चिक चिक कर रहे हैं, पर आपको कोई आके कहे ओए उसके ऐसा, अच्छा और क्या हुआ, लो निंदा रसालू, आगम में निंदा रसालू कहा, निंदा में रस लेने वालों से ही वो कन खजूरों की कीमत बढ़ गई है। हम सुने ही नहीं, हम कान बंद कर ले कि भैया मेरे पास समय नहीं है, तू नरक जाने की प्रैक्टिस अकेले दर्पण के सामने खड़े होके कर ले, लड़ाने भिड़ाने की मेरे पास समय नहीं है, किसी की बातें किसी की बुराई सुनने के लिए। सम्यक दृष्टि का निर्णय ये होता है, क्योंकि उसका एक एक समय एक एक मिनट कीमती होता है, और मिथ्या दृष्टि कान खा के नरक ही जाने वाला होता है। कह देना जितने जितने कोई कान में आ गए ना नीरज खान खाने के लिए, उन कन खजूरे से हाथ जोड़ से कहना प्रेम से कि नरक में जाने की प्रैक्टिस क्यों अभी से कर रहे हो ज्ञानी, नरक में जाके तो तुम्हें कान खाने ही है, आज धर्मात्मा के कान खा के धर्मात्माओं की बुराई करके तू क्या फल प्राप्त करेगा, थोड़ा सा विचार तो कर, थोड़ा सा विचार तो कर, कितनी 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 दोगली जिंदगी आज इंसान जी रहा है, कितनी दोगली जिंदगी आज इंसान जी रहा है। गुरु के सामने बिल्कुल ऐसे बनकर पहुंचता है कि हाँ हमारे जैसा तो बगुला भक्त दूसरा है ही नहीं है, और जैसी सीढ़ी उतरते हैं तुरंत क्या होता है सचिव जी, कुछ का कुछ क्या हो गया पता ही नहीं चला, क्या भाव थे, क्या भेष था, क्या तुम्हारा हाव भाव वहां पे था, और चंद कदम आगे चले नहीं क्या, रे वो तो कहते ही रहते महाराज, उनकी थोड़ी सुननी पड़ती, हो गया कल्याण, महाराज का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, वे तो कारण समयसार बन चुके हैं, वे तो अपनी साधना में एक एक समय की बचत कर रहे हैं, वे तो तुम पर दया कर रहे, करुणा कर रहे, अनुकंपा कर रहे हैं, अपने समय से समय देकर आपको समय समय पर समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वे क्या कर सकते, क्योंकि संसार में ऐसे भी जीव है प्रदीप जी, हमने देखा पहले पहुंचेंगे बिल्कुल सब कुछ गुरु से पूछेंगे ऐसा वैसा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहेंगे, और फिर बेचारे गुरु ने तो सीधे साधे बनकर तुम्हें मार्गदर्शन कर दिया, पर जाके फिर गुरु को ही नीचे बैठकर अरे वे तो ऐसा करके रह रहे थे, हो गया उनका जो होगा सो गुरु का तो ठीक ही है, पर श्रावको तुम्हारा क्या होगा, आगे का नहीं बोल रहा हूँ, श्रावको कह रहा हूँ, हम
कम से कम अपने समय की, अपने पुण्य की बारे में तो सोचे। कितनी मुश्किल से विनायका जी, ये धन्य पर्याय तुम्हें मिली है, निर्ग्रंथ के हाथ पर तुम ग्रास रख रहे हो, दान रख रहे हो, इससे सर्वोत्कृष्ट अवस्था इस मनुष्य पर्याय की क्या होगी। जो बनने वाले भगवान है उनके हाथ पर तुम दान रख रहे हो, ग्रास रख रहे हो, इधर तो ग्रास रख रहे हो और ग्रास रखने के बाद जैसे ही सोला बदला, तुम्हारा भेष क्या, तुम्हारे भाव भी बदल गए। मत करो माँ निंदा, तुम्हारी दूसरों की निंदा तुम्हें आने वाले समय में बहुत बड़ा कष्ट देगी। भीतर से करुणा फूट पड़ती है, तब बोल पड़ता है साधु, साधु को कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कुंद भगवान श्रावकों के लिए रहनसार लिख रहे हैं, साधुओं के लिए लिख रहे हैं? वे तो समय सार में लीन हो चुके थे, पर पल पल वह दूसरा जो रथ का चका है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए श्रावक और साधु दोनों को पुनः पुनः कर्तव्यों का बोध दे रहे हैं। भले ही तुम समय सार बने हो, समय सारोपासक बने हो, पर समय का सदुपयोग दोनों को करना होगा। साधु बने हो सो करना होगा और श्रावक बने हो सो करना होगा। अगर दोनों ने समय का उपयोग नहीं किया तो आप समय को नहीं, अपने पुण्य को नहीं, अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहे हो। भेष धारण कर लेना साधु का, ये साधुता नहीं है। सोले के वस्त्र पहनकर शुद्ध भोजन कर लेना, भगवान पर मात्र कलश ढाल लेना, इतना श्रावक पर्याय के कल्याण के लिए काफी नहीं है। उसे छोड़ना नहीं है, उसके साथ कुछ ऐड और करना है। इन क्रियाओं को छोड़ मत देना, इन क्रियाओं के साथ भावों को भी समझना। समय के पास रहोगे तभी तो समय में पास होंगे। ये समय है। कुछ 24 घंटे में 5-10 मिनट तो स्वाध्याय के लिए समय निकालो। 50, 55, 70, 80 हो गए पर फिर भी महाराज जी वो पढ़ते नहीं बन रहा है, आँखों की कमज़ोर हो गई रोशनी, मोबाइल टीवी देखने में आँखों की रोशनी कम नहीं हुई, कान खराब नहीं हुए, पर जिनवाणी पढ़ने को कह दो तो फिर आँखों की रोशनी खराब हो गई, सर दर्द होने लगता है। अभी पंचायत बिठा लो, 2 घंटे व्याख्यान करने में डर नहीं लगेगा, गला नहीं सूखेगा, पर 10 मिनट पढ़ को सुनाओ का दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहे, आँखें दर्द कर रही। ये निमित्त है। जैसी तुम्हारी आगे की आने वाली गति है वर्तमान में ज्ञानी, तुम्हारी वैसी ही मति हो रही। अवसर बार बार नहीं मिलेगा, मौका पुनः नहीं मिलेगा। ये गोल्डन चांस मिला है, डांस कर लो, मंच पे नहीं तो मंच पे आके डांस शुरू कर दो। उस डांस की, उस चौके की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है, चांस मिला है, पुनः मनुष्य बनेंगे कोई ठिकाना है? माँ बोलो, हाँ, कोई भरोसा नहीं मनुष्य बनेंगे, जैन कुल में आएंगे, हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक एक समय की कीमत को समझो। एक क्षण भी हमने दूसरे के लिए दिया है, मेरा घाटा हुआ। मनीष जी जेब में कुछ पैसे है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं छूता भी नहीं हूँ। पूछ रहा हूँ, कुछ सिक्के हैं, कुछ पैसे तो है, नोट है? अनजान व्यक्ति को ऐसे उठा के दे दोगे? अनजान नहीं, जाने वाले पहचानने वाले भी व्यक्ति को जो मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं उठा के जेब से निकाल दोगे? माँ आप कोई मांगेगा तो? भिखारी भी मांगते देते हो? बहुत बहुत बार मांगता है, जब कभी एकाध नया पैसा, एकाध सिक्का जेब से निकलता है और नहीं है खुला तो कहते खुला नहीं भाई, कल आना। क्यों? मेहनत से महाराज जी पैसे कमाते, ऐसे किसी को कैसे दे दे? फिर जब मेहनत से कमाया हुआ पैसा, जिस टके की कोई कीमत नहीं है, जिस पैसों की तुम देश बदल दो तो कीमत नहीं है, है क्या? तुम्हारे लाखों की करोड़ों की क्या कीमत? जब तक भारत में हो तब तक कीमत है, बाहर ले जाओ चाहे तुम्हारे गांधी जी हो चाहे मोदी जी हो,
कोई कीमत नहीं है कागजों के टुकड़ों की, पर फिर भी कोई मांगे तो नहीं दे पा रहे हैं। फिर ज्ञानी सोच लो, जो पुण्य जो धर्म इस पर्याय में अगली पर्याय में अगली से अगली पर्याय में वे साथ जाने वाला है, उसको उस समय को हम क्यों दूसरों को सौंप देते हैं। 5 मिनट है बात करनी है, हाँ शुरू हो गई बात, 5 मिनट के 5 घंटे कब हुए मोबाइल पे भी पता नहीं चलता। क्यों? जब हम धन अपना मेहनत से कमाया हुआ दूसरे को नहीं देते हैं, तो फिर हम अपना समय अपना पुण्य अपना धर्म क्यों निकाल कर दूसरे को देते हैं? मांग लिए 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बात करनी है, फिर पता चला बातों 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 में इतने फैल गए कि पूरे फैल ही हो गए। सोचो विचार करो, ये बेशकीमती समय पुनः 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 ज्ञानी मिलने वाला नहीं है। जीवन के ये मौके पुनः मिलने वाले है नहीं। नहीं, एक ऐसा ही भिखारी भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था भिखारी, राजा की दृष्टि पड़ी। राजा सोचता है मेरे राज्य में भी भिखारी है, मैं तो सबको संपन्न देखना चाहता हूँ, ये भिखारी क्यों है, गरीब क्यों है। राजा ने उस भिखारी को गरीब को बुला लिया और पूछने लगा कि भाई ये क्या तुम्हारी स्थिति है, तो क्यों भीख मांगता है? वैसे ही राजा के महल में भिखारी जाएगा और राजा बुलाए तो वैसे ही बेचारा कांपने लगा था, डरने डर के मारे उसे तो पसीने छूट गए कि महाराज ने बुलाया, क्या बात है, राजा किस लिए बुलाया, मैंने क्या गलती की, मैं तो मात्र भीख मांग के काम चलता हूँ। नाना तरह के विचार विकल्प दिमाग में चल रहे थे। राजा ने फिर सबके सामने पूछा तू क्या करता है? वो डर के मारे कांपते कांपते कर रहा, क्या करे राजन, कुछ उपजीविका की साधन नहीं, उपजीविका का खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, भीख मांग के खा लेता हूँ, घर से परिवार चला लेता हूँ और कुछ साधन नहीं है मेरे पास। अब राजा तो राजा था, राजा जोर से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरे राज में हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दे दूंगा, तुम अपना व्यवसाय करो अपना व्यापार करो और पैसे स्वयं के मेहनत से कमा के खा लेना, भीख मांग के मत खा। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, ये कह रहा है व्यापार करो, जिसकी एक बार फ्री में फोकट में मिलने की आदत हो जाती है वो मेहनत करना नहीं चाहता। फिर भी अब इतनी सभा में राजा कह रहा है तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, हम जैसा राजा कह रहा है कुछ करके देखते। उसने कहा बताइए, आपने बुलाया है राजन, आप जैसा कहो मैं वैसा करूँ। वो कहता है तुम्हें मैं कुछ समय दूंगा और हमारे खजाने में जाना, मैं दूंगा तो हो सकता है तुम्हें कम लग जाए, और कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो तुम सीधे भंडारे में खजाने में पहुंचना और तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम उठाना और चले जाना। उसने कहा इससे अच्छी क्या बात है, बिना मेहनत के धन मिल रहा है, जब तक चलेगा तब तक उसको ही बेच के खाता रहूँगा, फिर आगे की आगे देखते। पर राजा ने जैसे ही वो 4 कदम आगे पहुंचता है कहता है ध्यान रखना, पर आपके पास मात्र आधा घंटे का समय है, आपके पास मात्र आधा घंटे का समय है, आधे घंटे में तुम्हें जो अच्छा लगे जल्दी से ले आना, आधा घंटे के बाद तुम्हें भंडारे से बाहर किया जाएगा, ये सैनिक मेरा तेरे साथ रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री भीलवाड़ा, गरिमा संदीप, सेजल परी अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।